हे गाइस दिस इज दीक्षा जूही वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस के बारे में तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल इन प्लांट सेल आर नॉन लिविंग एंड रिजिड सेल वॉल इज प्रेजेंट एक पादप कोशिका में मृत कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है वाइल्ड इन एनिमल सेल सेल वॉल इज अपसेंट जबकि गाय जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट इज प्रजेंट विच टेक्स पार्ट इन फोटोसेंथेसिस गाइस पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है इन एनिमल सेल क्लोरोप्लास्ट इज अपसेंट गाइस जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है इन प्लांट सेल वैकुल्स आर यूजअली प्रजेंट विच एक्ट एज स्टोरेज ऑफ फूड गाइस पादप कोशिका में आमतौर पर वैकुल्स यानी रिक्तिकाएँ मौजूद होती हैं जो कि भोजन के भंडारण का कार्य करती हैं इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर यूजुअली अपसेंट बट प्रेजेंट इन सम प्रोटोजोन्स एज एक्सेप्शन गैस जंतु कोशिकाओं में आमतौर पर रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होती हैं लेकिन अपवाद के रूप में कुछ प्रोटोजोन्स में यह पाई जाती हैं इन प्लांट सेल सेंट्रोसोम इज अपसेंट गैस पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है वाइल्ड इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम इज प्रजेंट जबकि गाइज एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स ये थी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस के बारे में मेरी वीडियो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करें साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद